जय हिंद फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कॉर्डियल वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय रिपीटर चैनल। नाउ आई वांट टू डिस्कस विथ यू एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज हम लोग एक्सरसाइज 71 ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के बात करेंगे। इसमें मेनली हम लोग यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू हैव, अर्थात हम लोग टू हैव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में भी है कुछ निगेटिव में भी है, तो बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट दीजिए, हैव या हैज आएगा, नोट रहेगा तो नोट आएगा, उसके बाद टू प्लस वी वन ऑब्जेक्ट हो तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये का स्ट्रक्चर ये होगा, सब लोग ध्यान से समझते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। ये फुल्ली इंग्लिश जो है कम्पटेटिव बेस्ड और एकेडमिक बेस्ड दोनों तरीके चलाए जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, अगर इंट्रोगेटिव में स्टार्ट होगा तो सबसे पहले होगा हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अगर नोट होगा तो नोट भी आ ही लेगा, उसके बाद टू प्लस वी वन, देन ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर डब्ल्यू एच में होगा तो डब्ल्यू एच वर्ड्स, उसके बाद हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट, टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क्स दोनों में होगा। तो आई हूँ आपको समझ में आ गया पूरे फंक्शन को। तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आप लोग शुरू से अंदर वीडियो में बने रहें तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। राम को कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है। राम हैज नोट टू वर्क हार्ड। पहला क्या बन गया, राम हैज नोट टू वर्क हार्ड, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो है जाएगा, प्लूरल के लिए हैव आएगा। नेक्स्ट है, सीता को स्कूल नहीं जाना है, रीता को स्कूल नहीं जाना है, तो रीता हैज नोट टू गो टू स्कूल। रीता हैज नोट टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सवाल, मोहन को नहीं पढ़ना है, तो बनेगा मोहन हैज नोट टू रीड, मोहन हैज नोट टू रीड। उन लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता है, तो उन लोग का दे हैव नोट टू गो ऑन फुट। तो हो गया दे हैव नोट टू गो ऑन फुट। नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं, मुझे टिकट नहीं काटना पड़ता है, तो बनेगा आई हैव नोट टू, क्या कर रहा है, मुझे टिकट नहीं कटाना पड़ता है, सॉरी, तो आई हैव नोट टू बाय टिकट, बाय एक टिकट रहेगा तो टिकट होगा, एक से अधिक कटवाना होगा तो टिकट्स होगा, तो मैं टिकट्स देता हूँ,
मुझे काम नहीं करना है, तो आई हैव, याद रखेंगे आई ऐसा सब्जेक्ट है जो एम और वाज को छोड़कर बाकी रहता है पुलर, तो आई हैव नॉट टू वर्क। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, मेरे प्यारे बच्चे, सबको समझ में आ रहा होगा। लगातार बने रहें, आप अधिक से अधिक लोगों तक क्या करें शेयर करें, ताकि आपको इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझ में आ जाए, ताकि आपने जो आपने आंखों में जो सपना सजा रखे हैं वो पूरा हो। इसके लिए आप पूरे मन लगा के इंग्लिश पढ़ें, ताकि आपकी जो सपना है पूरा हो। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तो बनाइए यू हैव नोट लगा रहा हूँ, तो टू डू, अब समथिंग करना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किए कुछ नहीं का नोट लगाया था, समथिंग बच गया। नेक्स्ट है, तुम्हें अपने पति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, तो यू हैव नॉट टू वेट, यू हैव नॉट टू वेट योर हस्बैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, अब आ गया इंट्रोगेटिव शुरू हो रहा है, क्या तुम्हें सुबह जगना पड़ता है, तो बनेगा हैव यू टू गेट अप ईयरली, तो बन गया हैव यू टू गेट अप ईयरली। नेक्स्ट है, क्या मेरे दोस्त को पत्र लिखना है, तो हैज माय फ्रेंड, हम एक दोस्त की बात कर रहे हैं इसलिए हैज ले रहे हैं, हैज माय फ्रेंड टू राइट अ लेटर। आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, अब नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, क्या हम लोगों को पैदल जाना है, तो बनेगा हैव वी टू गो ऑन फुट, हैव वी टू गो ऑन फुट, क्या तुम्हें दूध नहीं खरीदना पड़ता है, हैव यू नोट टू बाई मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, क्या उसे झूठ बोलना पड़ता है, तो बनेगा हैज ही टू टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, क्या तुम्हें पैदल नहीं जाना पड़ता है, तो बनेगा हैव यू नोट टू गो ऑन फुट। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं, आज अब सबको समझ में आ रहा होगा, अब लगातार क्लास में बने रहे इसमें, क्या बच्चों को कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, हैव द चिल्ड्रेन नोट टू वर्क, हार्ड तुम्हें पटना नहीं जाना पड़ता है,
तुम्हें पटना नहीं जाना पड़ता है. इट मीन्स यू हैव नॉट टू गो टू पटना. तो आई होप आप सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा. लगातार जुड़े रहें, बने रहें. नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं. गरीबों को क्यों कठिन परिश्रम करना पड़ता है? तो मैंने कहा वाई हैव द पुअर टू वर्क हार्ड. नेक्स्ट है गीता को कल मुंबई क्यों जाना है? तो बनेगा वाई हैज गीता टू गो टू मुंबई टुमारो. TOMORROW. तो आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. लगातार जुड़े रहें. अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिले. नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं. बच्चों को कब पढ़ना है? When have the children to read? नेक्स्ट वाक्य कहता है रीता को गाना क्यों गाना पड़ता है? तो why has रीता to sing a song. जो आपको पढ़ रहे हैं ये ऐसी वाक्य जो मजबूरी में किया गया है. मजबूरी का ये या जरूरी, तो उसमें क्या हम लोग इसको इन्फिनिटिव के नाम भी रख दिए हैं. तो हम लोग इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट सेंटेंस तुम्हें यह काम क्यों नहीं करना पड़ता है? तो आई हैव यू नॉट टू डू दिस वर्क. नेक्स्ट सेंटेंस उसे क्यों प्लेट साफ करना पड़ता है? वाई हैज ही टू वॉश प्लेट्स. नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं. उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ता है? वाई उसे पति के सामने, तो वाई हैज सी टू लाफ. क्योंकि उसे पति के सामने क्यों हंसना पड़ा, तो वाई हैज सी टू लाफ बिफोर हिज हस्बैंड. तो हस्बैंड के सामने बात किस लिए ने हिज हस्बैंड लगा दिया, तो उसे महिला हो गई और यहाँ पुरुष की बात हो रहा है. तो आइए आपको सबको समझ में आ रहा होगा. नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं. आपको परीक्षा क्यों नहीं देना है? सेंटेंस कह रहा है तो बनेगा वाई हैव यू Not to appear at the examination. EXAMINATION. नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बात करते हैं. गीता को क्यों नृत्य नहीं करना पड़ता है? Why has गीता नोट टू डांस. आइयो मेरे मित्र सबको समझ में आ रहा होगा.
अब लगातार हमारे साथ बने रहे। तुम्हें कहाँ जाना है, वेयर हैव यू टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे क्या करना है, तो बनेगा व्हाट हैव आई टू डू। व्हाट हैव आई टू डू, आपको क्यों घंटों इंतजार करना पड़ता है। व्हाई हैव यू टू वेट फॉर आवर्स। आज आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, सीता को क्या करना पड़ता है, तो बनेगा व्हाट हैज सीता टू वर्क। तो व्हाट हैज सीता टू वर्क। तो आज अब सबको समझ में आ रहा होगा। लास्ट प्रश्न, आप लोग को कहाँ ठहरना है, वेयर हैव यू टू स्टे। तो आज अब मेरे मित्र सबको समझ में आया होगा। आप वीडियो में शुरू से अंदर बंद रहें, देखते रहें। धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।